हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 में सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज सेमेस्टर 2 में यूनिट नंबर 1 जो है हमारा, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट 1 की एक्टिविटी 1 देखेंगे। एक्टिविटी 1 में ए में रिसाइट द पोयम। यहाँ पर एक पोयम दी गई है जिसका नाम है अ माइंड एक्टिवेटिंग डे। सबसे पहले हम इस पोएम को पढ़ेंगे। आई वेंट टू द सिटी टू सी मिसेस स्वीटी। सी गेव मी अ रूपी टू बाय अ टॉफी। द टॉफी वॉज श्योर सो आई बॉट अ फ्लावर। द फ्लावर वॉज डेड so I bought some thread. The thread was thin so I bought a pin. The pin was sharp so I bought a harp. The harp wouldn't play so I gave it away. I went back to the city to this स्वीटी। इस पोयम में जो है एक लड़का है, ठीक है, वो एक जाता है सिटी में, शहर में जाता है मिसेस स्वीटी से मिलने। वो उस लड़के को एक रुपया देती है, ठीक है, पैसे देती है। तो उससे क्या खरीदता है, टॉफ़ी, ठीक है, टॉफ़ी खरीदता है। लेकिन टॉफ़ी क्या होती है, खट्टी होती है। तो उसे वापस करके वह फूल लेता है, लेकिन फूल क्या होता है, डेड यानी मुरझाया हुआ होता है। तो वह उसे वापस कर देता है। फिर वो ख़रीदता है थ्रेड, जो डोरी होती है वह ख़रीदता है, लेकिन डोरी में भी प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, वह पतली होती है। तो वह क्या करता है, डोरी भी वापस कर देता है। फिर वह ख़रीदता है पिन, पिन जो होती है क्या होती है, नुकीली होती है, इसी कारण से वह उसे भी वापस कर देता है। फिर वह ख़रीदता है हार्प, हार्प पहनता है वीणा बजाने वाला जो होता है, ठीक है। तो वीणा खरीदता है, वह क्या होता है, वुडंट प्ले, द हार्प वुडंट प्ले। तो वह वीणा जो होती है वो प्ले नहीं होती, बजती नहीं है, इसलिए वह उसे भी वापस कर देता है। और लास्ट में क्या करता है, वो सिटी से वापस जाता है और जो है श्रीमती स्वीटी से मिलता है। ये था हमारा ए। अब बी में देखेंगे, फाइंड आउट द वर्ड्स पेयर्स फ्रॉम द पोयम, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, एग्जाम्पल आपको दिया गया है सिटी का स्वीटी, ठीक है। मिलते जुलते जो शब्द है पोयम में से वो आपको अपने इसमें से ढूंढ के, काव्य में से ढूंढ के लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट में रूपी, तो आपको पोयम में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो मिल जाएगा सेम रिदम वाले जो शब्द होते हैं रूपी का, आप लिख सकते हैं टॉफी, ठीक है। तो शोर का यहाँ पर है फ्लावर, डेड का है थ्रेड, थिन का है पिन, शार्प का है हार, प्ले का है अवे, ठीक है, सिटी का स्वीटी आप पहले दिया गया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे, दूसरा है डेड, डेड का आप लिखेंगे यहाँ पर थ्रेड, थर्ड है पिन, पिन का आप लिखेंगे थिन, ठीक है। ये सब क्या है, मिलते जुलते शब्द हैं, शार्प का हार। नंबर 5 पर है आपका शोर, शोर का आप लिखेंगे फ्लावर, ठीक है। इससे आपको बी कंप्लीट करना है। अब देखेंगे सी, कंप्लीट द टेबल, पोयम के आधार पर आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया गया है आई गेव बैक, इसमें मतलब जो लड़का होता है वो कौन सी चीज़ें वापस कर देता है। इट वॉज, इट वॉज मतलब किस कारण से वह वस्तुएं जो हैं वापस करता है। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, पहला जो एग्जांपल है टॉफ़ी का, ठीक है, आई गेव बैक टॉफ़ी, टॉफ़ी वो वापस क्यों करता है, क्योंकि वह खट्टी होती है, श्योर, ठीक है, इसके लिए वह वापस करता है। अब सेकेंड में आप लिख सकते हैं फ्लावर, फ्लावर वो वापस क्यों करता है, क्योंकि वो क्या होता है, मुरझाया हुआ होता है यानी डेड होता है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे थ्रेड, जो डोरी होती है क्या होती है, थिन होती है, इसके कारण वो उसे वापस कर देता है। फिर होता है पिन, ठीक है, पिन, पिन क्यों वापस करता है वो, क्योंकि वो होती है शार्प। लास्ट में हैगा यहाँ पर हार्प, हार्प वो क्यों वापस करता है, क्योंकि वह
प्ले नहीं होता, बजता नहीं है, वुडंट प्ले। इस तरह से आपको ये जो सी है ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। टेबल कंप्लीट करने के बाद आप इस तरह इन वर्ड्स को लेकर सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है, पहले देखेंगे टाइटल, मेक सेंटेंस यूजिंग द टेबल एंड स्पीक अलाउड। ठीक है, तो एग्जांपल देखेंगे, आई गेव बैक द टॉफी इट वॉज श्योर। ठीक है, आई गेव बैक द टॉफी इट वॉज श्योर। आप सेकेंड बना सकते हैं, फ्लावर को लेकर बना सकते हैं कि आई गेव बैक द फ्लावर बिकॉज क्यों, इट वॉज डैड। इस तरह से बाकी की जो है वर्ड, थ्रेड है, पेन है, हार्फ है, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं और बोलने हैं।